सलमान खान की इंशाल्लाह फिल्मों को लेकर बड़ा अनाउंस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफएसटार न्यूज। सलमान खान इन दिनों अपने फैंस को सरप्राइज पर सरप्राइज दे रहे हैं। जब सलमान खान ने 18 मार्च को इंशाल्लाह फिल्मों को लेकर ऑफिशियल अनाउंस किया था और उनके ये अनाउंस के कारण सलमान के सारे फैंस खुश हो गए थे, क्योंकि ये फिल्मों में हमें ब्लॉकबस्टर जोड़ी देखने को मिलेगी और वो भी सलमान खान और संजय लीला भंसाली की। आपको बता दूं कि संजय लीला भंसाली ने करियर की शुरुआत सलमान खान से की थी और 20 साल के बाद दोनों फिर से एक साथ आ रहे हैं। और ये फिल्मों में खास होगा आलिया भट्ट, क्योंकि सलमान खान के साथ पहली बार आलिया भट्ट देखने को मिलेगी। ये तो हो गई पुरानी न्यूज। लेकिन हाल ही में सलमान खान ने बॉलीवुड हंगामा के एक इंटरव्यू के दौरान इंशाल्लाह फिल्म की रिलीज को लेकर बड़ा अनाउंस किया है। जब सलमान खान को पूछा गया कि आप कितने एक्साइटेड हैं इंशाल्लाह फिल्मों को लेकर और संजय लीला भंसाली के साथ फिर से काम करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि संजय लीला भंसाली एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है। इसके अलावा उन्होंने संजय लीला भंसाली की कई तारीफें की और आखिर में उन्होंने ये फिल्म की रिलीज डेट को लेकर एक बहुत बड़ा अनाउंस भी कर दिया। जय सलमान खान ने कह दिया है कि ये फिल्म अगले साल ईद पर रिलीज होगी और ये न्यूज एकदम कंफर्म है, क्योंकि इस बात को खुद सलमान खान ने इंटरव्यू में कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके पहले दबंग 3 रिलीज की जाएगी। यानी कि ये साल सलमान खान की 2 फिल्में और अगले साल ईद पर आने वाली है संजय लीला भंसाली की इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, आप कितने एक्साइटेड है ये फिल्मों को लेकर वहाँ हमें कमेंट करें। ये न्यूज पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए एफएसटार न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें।